और कितने बच्चे हमारे पास आए? मोर देन 25% है मेरा। सबका डेटा मुझे ईमेल चाहिए। डॉक्टर नहीं साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत परेशान हूँ। आप तो जानती हैं मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं अपने बच्चे का खास स्कूल चलाऊंगी। अपने बच्चे, देखिए आप परेशान हैं, आप सिर्फ अपने बच्चे को यहाँ लेकर आए, जो खर्चा है जो कुछ भी होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी, आप बस उसे ले आए, ठीक है? रोए मत। अल्लाह नसीब अच्छे करे, जो आप अल्लाह से मांगे अल्लाह आपको दे। आप हमारे लिए मसीहा हो डॉक्टर साहब। बस हौसला रखे और जल्दी से अपने बच्चे को यहाँ लेकर आए। थैलेसेमिक बच्चों की तादाद बहुत बढ़ गई है, हम लोग अकेले मिलकर कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे जैसी 10 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर भी फंड रेजिंग करेंगी ना इन बच्चों के लिए, तो भी रिजल्ट्स पूरे नहीं मिल पाएंगे हमें। ये प्रॉब्लम है कि थैलेसीमिया के बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो इससे भी ज्यादा बड़ी। क्या? कि मुस्तकिल बढ़ती जाए। आसान बात है, समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों समझाना मुश्किल होगी, अवेयरनेस ही नहीं। खैर तो मुझे डेटा ईमेल कर देना। ठीक है, मैं करती हूँ। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपने मुझे मेल करने, ठीक है? हाय कज़न। हेलो यार, बहुत गर्मी है आज, मेरी तो सांस भी इतनी मुश्किलों से आ रही है। हाँ ठीक कह रही हो, गर्मी तो बहुत है, सांस लेना वाकई मुश्किल हुआ है और मेरा तो बिल्कुल रुक रुक के आ। क्या मतलब? मैं रुका हुआ इसलिए है क्योंकि जब तक तुम्हें नहीं देख लेता मेरे सांस की रवानी चलती नहीं है, यू नो दैट। फॉर गॉड सेक अज़लान, इतनी गर्मी से आ रही हूँ मैं, थकी हुई हूँ, तुम्हें तुम्हें डायलॉग सूझ रहे हैं। मुझे सिर्फ डायलॉग नहीं, अगर आप कहें एंड इफ यू ओनली अलाउ मी आई कैन सिंग फॉर यू एज़ वेल। थैंक यू सो मच, मुझ पर रहम करें, मुझे बस घर छोड़। वैसे मैंने एक नया इंतजाम भी किया है जिसकी वजह से अब मुझे तुम्हें घर छोड़ने नहीं बल्कि घर ले जाना पड़ेगा। तुमने खाला से बात कर ली? अलमास ने कहा है कि अज़लान तुम्हें पसंद करता है और वो तुमसे शादी करना चाहता है, और अगर बच्चों की यही खुशी है तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो क्या कहा आपने? मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि हमें खानदान में शादी नहीं करनी है। क्यों, ठीक किया ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक किया, यही तो करना चाहिए था आपको। माँ हो तुम्हारी, मेरे साथ आंख मचोली खेलोगी ना तो पकड़ी जाओगी। ये सिर्फ अज़लान की नहीं, तुम दोनों की पकाई हुई खिचड़ी है, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। ऐसे ही तो नहीं ना अज़लान 2 दिन के बाद यहाँ पहुंच जाता था और कहता था खाला कोई काम है तो बता दे मैं कर दूंगा। वो मेरे काम करने नहीं आता था, वो तो अपने काम से आता था। खुश रहो, सदा खुश रहो, बहुत दुआएं तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दे। थैंक यू। बेटा ये शगुन के। अरे इसकी क्या जरूरत है? फरा ये तो एक छोटी सी रस्म है, तुम बस अब शादी की तैयारियां करो। लेकिन इन रस्मों की क्या जरूरत है, डायरेक्ट निकाह पढ़वाते हैं ना। अरे भाई ये तो काजी साथ लिए घूम रहा है, इसका बस चले ना, तो आज ही निकाह करके और आज ही रुखसती कर ले। तो इसमें गलती क्या है, ऐसा ही होना चाहिए ना। अरे नहीं भाई नहीं, मेरी अकलौती बेटी है, इसकी शादी तो मैं बहुत धूमधाम से करूंगी, और अभी तो मैंने तैयारी भी शुरू नहीं की, कम से कम 6 महीने तो जरूर लगेंगे।
हाला ऐसी कौन सी तैयारियां करनी है जिसके लिए 6 महीने लग जाएंगे? मुझे बताया ना, मैं 1 महीने में कर दूंगा सब। क्या हो गया? 1 महीने में तैयारी कर दूंगा? अरे भाई, शादी है, किसी की बर्थडे नहीं हो रही है जो यूं फटाफट काम कर लोगे तुम। अब समझ आ रहा है, ये यकीनन इसने एडवाइस किया आप सब लोगों। जी नहीं खाला, मैंने ऐसी कोई एडवाइस नहीं दी है। अम्मी प्लीज बताएं। अरे बेटा, तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? इसका तो काम है जल्दी पर तेल छिड़कना। तुम फिक्र नहीं करो, जैसा फरा कहती हूँ वैसा ही होगा। शादी 6 महीने में ही होगी। इसकी बातें छोड़ें, मैं आप लोगों के लिए चाय ला रही हूँ। अच्छी सी बना के लाना जी। और मुझे तो अब टेंशन हो गई, तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी, है ना? अरे भाई, घर ही आ रही है अपने, उसमें इतनी टेंशन की क्या बात है? 6 महीने बहुत कम टाइम है। जी ओके, थैंक्स। खदे सबके साथ कॉफी। थैंक्स। अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया है तो एक बात कहूँ या ना कहूँ? तुमसे गुस्सा थोड़ी हूँ मैं, इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मुझे एक जरूरी बात करनी थी। देखो, अगर शादी को 6 महीने से एक्सटेंड करने की बात करनी है तो ये बात मत करो। उसके अलावा कोई भी बात करनी है यू कैन। वो बात नहीं करनी थी मुझे, कोई और बात करनी थी। हाँ करो। अजलान, तुम जानते हो कि हमारी फैमिलीज बहुत क्लोजली नेटेड हैं। मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी की सगी बहन है और हमारे फादर्स एक दूसरे के सगे भाई हैं। लेकिन ऐसे क्लोज रिलेशंस में अगर शादी हो तो शादी के बाद बड़ी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं जो शादी को अफेक्ट करती हैं। इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें मुझे नहीं समझ आती। तुम जानती हो ना, आई एम अ बिजनेस गाय, तुम मुझसे नंबर्स में बात करो, ब्लैक एंड व्हाइट में बात करो। हमें अपने कुछ टेस्ट्स करवाने होंगे, तुम्हें भी और मुझे भी। टेस्ट्स लाइक? टेस्ट ताकि शादी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना आए। देखो असलान, ये बहुत जरूरी है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। जो खाला ने बेहयाई की तालीम तुम्हें दिलवाई है ना, उसका यही रिजल्ट आना था। क्या बेहयाई? जी बेहयाई, मुझसे मेरे मुंह पर कह रहे कि शादी से पहले मैं ये टेस्ट करवा लूं कि मैं शादी के काबिल हूं या नहीं। फॉर गॉड सेक अजलान, पहले समझने की कोशिश तो करो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। आहिस्ता बात करो। तुम मुझसे जो चाहे कहो और मैं आहिस्ता बात करूँ तुमसे? इस्लान, मेरी इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है? सारी बात उठा के तुमने मेल ईगो पर डाल दी है। मेल ईगो? इसमें मेल ईगो का क्या लेना देना है? देखो, केस इज वेरी सिंपल, तुम्हें तुम्हारी बर्तरी साबित करनी है। तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, लेकिन लिसन, तुम जैसी बहुत सी डॉक्टर्स ना लैब कोट पहनकर ख्वार घूम रही होती। माना कि मैं ग्रेजुएट हूं, लेकिन आई हैव अ वेरी बिग बिजनेस, 400 लोग मेरे अंडर काम करते हैं। अब मुझे ये भी पता है कि तुम आजकल किन लोगों में बैठ रही हो। जिन लड़कियों में तुम बैठ रही हो उनका ये लिबरल माइंड और जो डिस्कशंस चल रही होती हैं कजन मैरिजेस के अगेंस्ट, सब कुछ समझता हूँ। और इस सोच की अकासी करने की एक मिसाल बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। Unbelievable. कहाँ जा रही हो? बात लिसन। इस्लान को क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रहा है? अभी तो सब ठीक था। बस गुस्से का तेज है ना, भड़क गया होगा किसी बात पर। चलो चल के देखते हैं हुआ क्या। नवीरा बेटा, सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? हाँ हुआ क्या बेटा? क्या हुआ बेटा, बताओ तो सही। बताओ ना, इनको भी बताओ, अभी जो मुंह फाड़ कर मुझसे कह के आई तुम। सलाम, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पागलों की तरह चीख रहे हो? इससे पूछे ना, ये जो पढ़ लिख कर मुझे बता रही है कि क्या करना होता है और क्या नहीं, अब बोलो सबके सामने। मुझे पढ़ लिख कर इतना शऊर है कि कौन सी बात किसके सामने करनी और किसके नहीं, और जो मैंने बात तुमसे की थी वो कोई इतनी मायूब बात नहीं थी कि मैं सबके सामने नहीं कर सकती। शाबाश, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। जब तुम अपनी बात पर शर्मिंदा ही नहीं हो तो हम ये सारी बात कर क्यों रहे? ऐसा क्या हो गया नवीरा, तुम मुझे बताओ, मुझे बताओ तुमने क्या कहा है इस्लान को? आप जानना चाहती हैं इसने क्या कहा? इसने मुझसे कहा है कि शादी से पहले मैं अपने टेस्ट करवाऊं,
मैडम रिपोर्ट चेक करेंगी कि मैं शादी करने के काबिल हूं या नहीं, और ये तब शादी करेगी मुझसे। खाला, आप अपने मुंह से हाथ हटा सकती हैं। और अम्मी आप भी नजरें उठा सकती हैं। हाँ, मैंने ये बात जरूर की है, लेकिन इस तरह नहीं की जैसे इस्लाम ने आप लोगों को बताई है। लेकिन ये बात हुई ही क्यों? कोई भी मर्द ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक कभी हमारे खानदान में ऐसा हुआ है जो अब होगा? तो होनी चाहिए थी, पहले भी होनी चाहिए थी, अब भी होनी चाहिए। अगर आज से पहले नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं हो नहीं सकती। चुप कर जाना वीरा, बस अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। क्यों अम्मी, ऐसा क्या कह दिया मैंने? ऐसा क्या कह दिया? एक लड़की अपने होने वाले शौहर से ये रिपोर्ट मांग रही है कि शादी के बाद हमारी औलाद हो सकती है या नहीं, और तुम कह रही हो कि ऐसा क्या कह दिया? ये छोटी बात लगती है तुम्हें? तुम बस ऐसा ही सोच सकते हो, इससे ज्यादा की कैपेसिटी भी नहीं है तुम्हें। देखा फरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बेटियों की परवरिश करते हुए बहुत ख्याल रखना चाहिए। अंजाम देख रही हो तुम, ज्यादा पढ़ाई और दुनिया की हवा लगने का। लड़कियों की क्यों खाला? लड़कों की परवरिश करने में ख्याल क्यों नहीं आता? अगर आपने अजलान की अच्छी परवरिश की होती ना, तो इतनी सी बात सुनके पागल ना हो जाता आज। आपने इसको मर्द तो बना दिया, लेकिन इंसान बनाना भूल गई आप। नवेरा, अपनी हद में रहो आप। मेरी माँ से बात कर रही हो इस वक्त तुम। और तुम जो अपनी हद पार कर चुके हो, उसका क्या? मुझे मेरी हद याद ना दिलाओ अजलान। तुम भी मेरी माँ के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हो। एटलीस्ट मैं चीख तो नहीं रही ना, बात ही कर रही हूँ। ऐसी कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, ना ही कोई बात घुमाई जा रही है। जो भी बात है बेशर्मी से सबके सामने ही तो कह रही है। अजलान चलो यहाँ से। जो लड़की तुम्हें टेस्ट करवाने का कह रही हो, मेरी परवरिश पे उंगली उठा रही हो, वो हमारी नस्लों का क्या ख्याल रखेगी? अरे ये तो हमें भी बर्बाद कर देगी और हमारी आने वाली नस्लों को भी। बिल्कुल खाला, शौक से जाइए। चुप कर जाओ नवीरा, बाकी तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगी। प्लीज आप लोग मेरी बात तो सुने। नहीं अम्मी, मुझे बात करने थे। थैंक यू खाला कि आपने हमारी आने वाली नस्ल के बारे में सोचा। मैं भी यही कह रही थी, लेकिन कह क्या रही थी अब समझाऊंगी नहीं। हो सकता है कि आपके जहनी बीमार बेटे को कभी खुद समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही थी। लिसन, अब बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। मैं तुम्हें जहनी बीमार लगता हूँ? मैं कोई जहनी बीमार नहीं हूँ, तुम्हारे अपने जहन में खुराफात है। और ये सारी सिचुएशन जो है ना, तुमने खुद क्रिएट की है ताकि मामला यहाँ तक पहुंच जाए जहाँ पर तुम बात खत्म कर सको। कोई और लड़का था तो डायरेक्टली बता देती ना, इतने ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी? अस्लान भाड़ में जाइए, चलो तुम यहाँ से। लेकिन एक टेस्ट आज ही क्लियर हो गया अस्लान कि तुम्हारे दिमाग में गंद भरा हुआ है। एंड आई फील वेरी लकी कि इस टेस्ट का रिजल्ट मुझे वक्त से पहले मिल गया। और ये मत समझना कि मैं जरा सी भी परवाह करूंगी तुम्हें बुलाने में। एक बदतमीज जाहिल इंसान के साथ अनजाने में मोहब्बत तो जरूर हो सकती है, लेकिन उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। नवीरा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मैं भी एक बेवकूफ, बेहया और बच्चल है ना। यही तो साइकी है तुम जैसे मर्दों की, तुम जैसे मेंटली रिटार्डेड मर्दों की, कि जब लड़की की बात समझ ना आ रही हो तो उसके किरदार पर उंगली उठाना शुरू कर दो। अजलान चलो यहां से अभी इसी वक्त, मुझे यहाँ खड़े होने में भी शर्म आ रही है, चलो यहाँ से। ये शर्म आपको आपकी बेटे की बातें सुनकर आ रही होती ना, तो आपकी आने वाली नस्ल से क्यों हो जाती? लेकिन अब मुझे डाउट है कि शायद ऐसा ना हो। क्या बात कर रही हो तुम? मैं लानत भेजता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर। और खाला, बहुत अच्छा हो गया कि सब कुछ बहुत पहले ही सामने आ गया।
असलम, तुम किसे ये सब सुना रहे हो? उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? मैं कहती हूँ चलो यहाँ से, चलो। दूर हो जा तुम मेरी नजरों से। आज तुमने मुझे मेरी बहन के सामने रुसवा कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। मुझे तुमसे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी आपसे नहीं थी अम्मी। वो लोग मुझे इतना सब कुछ कहकर चले गए और आप उनको जाने से रोकती रही। एक बार भी ये नहीं कहा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। हम थैलेसीमिया के लिए फंडिंग कर रहे हैं, अब आप और क्या चाहती हैं मुझसे? सर, यू वेरी काइंड कि आप फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो फंड किया जा रहा है वो थैलेसीमिया के बच्चों को खून लगाने के लिए होता है। जी बिल्कुल, उनके इलाज पर खर्च किया जा सकता है और वो हम कर रहे हैं। अब इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? सर, इलाज तो बीमार का होता है, बीमार बढ़ते जाएंगे इलाज भी बढ़ते जाएंगे। मसला इलाज तो नहीं है ना सर, मसला बीमारी है। तो इस बीमारी को कैसे खत्म कर सकते हैं? सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? सर, ये रिसर्च की है मैंने और इसमें सारी डिटेल्स हैं जिनके बारे में लोगों को आगाही नहीं है। रोज शादियां होती हैं, रोज बच्चे पैदा होते हैं और शादी के बाद जो बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश है, इस सिलसिले में बीमार बच्चे दुनिया में आ जाते हैं। हमें लोगों को एजुकेट करना होगा कि लड़का लड़की को शादी से पहले टेस्ट करवाने जरूरी हैं ताकि बीमार बच्चे इस दुनिया में ना आए और वो इस ज़हनी अज़ियत से ना गुज़रे। जी, सिलसिले में काफ़ी कुछ जानता हूँ मैं, इसीलिए मैं कज़न मैरिज के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम कज़न मैरिज को रोक नहीं सकते और ना ही आप किसी को कन्वेंस कर सकते हैं कि वो कज़न मैरिज ना करे। सर, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि अवेयरनेस है ही नहीं और जब तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट नहीं होता, लोग बात भी नहीं करना चाहते। सिर्फ कज़न मैरिज थैलेसीमिया की वजह नहीं है। ऐसा नहीं है कि कज़न मैरिज पे पाबंदी लग जाएगी तो थैलेसीमिया ही खत्म हो जाएगा। आप मुझसे क्या चाहती हैं? देखिए सर, आपके न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, यूट्यूब चैनल है, व्हाट ऑल सोर्सेस डू यू हैव? मैं चाहती हूँ हम आपके सोर्स के थ्रू लोगों तक ये बात पहुँचाएं कि शादी से पहले टेस्ट करवाने बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सर, मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे कोई प्रोग्राम्स रखें जिसमें ये मिथ टूट सके और लोग इन्फॉर्म हो सकें कि बीमार का इलाज करने के साथ साथ बीमारी को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। ऑलराइट, आप इस पे काम शुरू करें, एक अच्छा सा कंटेंट बनाएं, मेरा चैनल और न्यूज़पेपर उसको फुल कवरेज देगा। ओके, थैंक यू सर। अब क्या लेने आई हो फरा? कल कोई कसर बाकी रह गई थी जिसे आज पूरा करना है? ये दोनों तो बच्चे हैं, ना समझ है, जज्बाती तौर पे बातें कर जाते, लेकिन हम तो बड़े, हमारा काम इन्हें समझाना है। अगर हम एक दूसरे से लड़कर बैठ गए तो हमारे बाद ये लोग क्या करेंगे? फरा, कल बात खत्म हो चुकी, सुना नहीं था तुमने? तुम्हारी बेटी ने कहा है कि वो मेरे बेटे जैसे जाहिल आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती, और सही बताऊं तो कल पहली बार मैंने उसकी जबान देखी। अब मैं उसे कभी अपनी बहू नहीं बना सकती, इतनी बेहयाई, इतनी दरारी। अलमास, तुम नवेरा को बचपन से जानती हो, वो बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं है। वो तो कितनी मिलनसार है, हर किसी से मिलजुल के रहती है, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। ये जो कुछ भी हुआ है गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ है। देखो, नवेरा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। खाला, इट्स ओके, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। यकीन करो असलान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, रात भर सो नहीं सकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ है। नवेरा तो इस रिश्ते से बहुत खुश थी, तो अचानक ये सब क्या हो गया? तो आपको क्या लगता है खाला, मैं खुश नहीं था? इसने तो मेरी नाक में दम कर रखा था,
इसका बस नहीं चल रहा था कि एक ही दिन में उसको बिहार के यहाँ ले आए। लेकिन पहले तो मैंने इसकी बात मान ली थी, लेकिन अब आंखों देखी मक्खी मैं नहीं निकल सकती। तुम्हारा मेरा जो रिश्ता है वो हमेशा रहेगा, लेकिन नवीरा अब मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। अच्छा आप गुस्सा खत्म भी करो ना, मैं तुमसे माफी मांग तो रही हूँ। इतना अटल फैसला मत करो, जरा अपने फैसले में लचक तो करो। मेरा फैसला अब अटल है फरा, अब तुम आप नवीरा से कहिए कि कल वो यहाँ पर आए मुझसे और अम्मी से माफी मांगे। अजलान तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? अम्मी शादी मेरी है तो फैसला भी मेरा ही होगा ना, आप अटल फैसला नहीं कर सकती। खाला आप नवीरा से कहें कि वो कल यहाँ आए और माफी मांगे। ठीक है फिर जो करना है करो, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना तुम्हारी निकम। अम्मी मैंने आपसे कह दिया ना कि बस करें तो बस कर दें। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। चाय आपकी। मैं तो जल्दी आ गई थी, आप नजर ही नहीं आई। खाला की तरफ गई थी? हाँ। क्यों? नवीरा वो तुम्हें बहुत चाहता है, इतना कुछ होने के बाद भी उसका दिल नहीं मान रहा कि वो ये रिश्ता खत्म करे। उसने तो अलमास को भी साफ साफ कह दिया कि वो उसकी जिंदगी है, उसकी मर्जी वो जो फैसला ले। अलमास को बोलने तक का मौका नहीं दिया उसने। बोलने तो उसने कल मुझे भी नहीं दिया था। बस कर दो नवीरा, क्या रह गया जो तुमने नहीं बोला? सब कुछ तो बोल डाला। बस मेरी जान अब अकल से काम लो, अजलान और अलमास से माफी मांग लो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ूं? और ऐसे इंसान से शादी कर लूं जिसकी ईगो इतनी ज्यादा है कि मुझ पर हुकूमत करेगा, उसकी कनीज बन के जिंदगी गुजारूं मैं? देखो नवीरा तुम बात अम्मी अब आप मुझे बोलने दें। कल मैंने आपसे तो कोई बात नहीं की थी, लेकिन आप सुनना चाहती हैं ना कि क्या क्या मैंने उन्हें कल नहीं कहा? तो सुने, अब्बू और चाचू की छोटी उम्र में डेथ हो गई। क्यों? बहुत छोटी उम्र थी उनकी, हार्ट अटैक से डेथ हो गई। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि आप और खाला सगी बहनें हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, इंसुलिन लगाती हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो बेटा? वही जो कल मैं नहीं कह पाई थी। मैंने सिर्फ असलान को इतना कहा था कि हम दोनों को टेस्ट करवा लेने चाहिए आगे की बेहतर जिंदगी के लिए, ताकि हमारी औलाद सेहतमंद पैदा हो, और अगर हमें किसी भी चीज की कमी है या कोई भी इशू है तो हम पहले से ही केयर कर लेते हैं, प्रिकॉशंस ले लेते हैं। अब आप मुझे बताएं ऐसा क्या गलत कहा मैंने कि उसे सबके सामने बदकिरदार कहा मुझे? बेटा बात समझाई जा सकती है ना, बात की जा सकती है। हर बात की जा सकती है अम्मी। मैं खाला से माफी भी मांग सकती हूँ, लेकिन मैं अजलान से शादी नहीं करूंगी। आप कहती हैं ना कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और खाला की बात भी नहीं मान रहा था। वो किसी की भी बात नहीं सुनेगा, और प्यार से ऊपर आती है इज्जत, वो आपने कल देख ही ली थी। तो उसके साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी ना करें। नहीं मेरी जान नहीं, इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा फैसला मत लो। आपको अब भी ये छोटी सी बात लगती है? अम्मी ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके बारे में सिर्फ मुझे नहीं हर लड़की को सोचना चाहिए। और हाँ अम्मी, जिंदगी फैसला लेने का नाम है, फैसला ले चुकी हूं मैं, साथ देगा। अच्छा किया तुमने कि मम्मी से फोन पर बात कर ली। गलती थी मेरी, मुझे उनसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी।
चलो शुक्र तुम्हें यह एहसास तो हुआ कि तुम्हारी बात गलत। मैंने कब कहा मेरी बात गलत थी? मैंने कहा बात करने का तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि क्योंकि बड़ी है वो। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी और खाला का ताल्लुक मेरी वजह से खराब हो। That's it. क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी अम्मी मेरे घर बैठकर माफी मांग रही थी, किरकिरा रही थी, रुस्वा हो रही है, और तुम ये बातें कर रही हो? क्योंकि जिस नस्ल से मेरी अम्मी का ताल्लुक है उस नस्ल की सारी औरतें यही समझती हैं, गलती हो ना हो उनको लगता है गलती पर है। नवेरा बकवास बंद कर, ये किन खुराफात में पड़ गई हो तुम? अगर इतनी अकड़ थी तो यहाँ आकर मेरी गाड़ी में क्यों बैठे हो तुम? यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं अगर तुम्हारे साथ मजीद कोई ताल्लुक नहीं बढ़ाना चाहती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुराना ताल्लुक भूल जाऊंगी, तुम पे चीखूं चिल्लाऊं बदतमीजी करूं। हम कजिन्स भी हैं पहले, तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी सगी बहनें हैं, इन रिश्तों में फासले नहीं आ सकते। भाड़ में गए पुराने रिश्ते, अब भाड़ में गए तो। And you know what? Just get out of my car. मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। Get out. तुम्हारा हर एक एक्शन ये प्रूव करता है कि मुझे तुम्हें छोड़ने का फैसला बिल्कुल ठीक था। इतनी बेहयाई, इतनी ढिठाई, कल रात मुझसे माफी मांगी और सुबह फिर वही हरकत। मेरा बेटा उसे हॉस्पिटल लेने गया था, ढीठ बनकर बैठ भी गई और उल्टा उसी से सवाल करने लगी। फरा, जरा पता तो लगाओ किसकी शह पर वो ये सब कुछ कर रही है। मेरा बेटा खूबसूरत है, लाखों कमाता है, उसे रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी भाई वो किसके चक्कर में किसको फंसाया हुआ है साफ साफ बताती क्यों नहीं है? मेरे बेटे के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों गोली चला रही है? और उस पर ये कि इतनी बेहयाई के बाद उसके माथे पे पशेमानी की एक लकीर भी नहीं है। अलमास, इस वक्त तुम मेरे घर में बैठी हो, मेरी बहन हो, इस बात का लिहाज कर रही मैं, लेकिन तुम भी सोच समझ के बात करो। अपनी जबान से कोई ऐसे अल्फाज ना निकालो नवेरा के लिए जिन्हें मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। जब बेटी को माँ की शह मिल रही हो तो बेटी जो ना करे वो कम है, उसे कौन है पूछने वाला? बेटी को माँ की शय नहीं मिल रही, बल्कि बेटी ने माँ को हिम्मत दिलाई है। काश ये हिम्मत हमारी माँ भी हमें दिलाती, हमें नजर उठा के बात करना सिखाती। जिस तरह हमने जिंदगी गुजारी है शायद हम उस तरह नहीं गुजारते, लेकिन हमारी माँ, हमने तो उन्हें हमेशा नजरें झुका के बात करते हुए देखा है। मेरी बेटी ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं नजर उठा के बात कर सकूं और ये बता सकूं कि मेरी बेटी जो कर रही है वो गलत नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक कर रही है। और एक बात बता दूं आपको, मेरी बेटी को रिश्तों का लिहाज है, इज्जत है, तभी वो आपके पास आई आपसे माफी मांगने, अजलान के साथ गाड़ी में बैठ के गई। कोई और लड़की हो तो कभी ऐसा नहीं करती। अजलान ने उसे बीच सड़क पर उतार दिया, लेकिन उसने उफरत नहीं किया, मुस्कुरा कर उतर गई। मेरी बेटी बेहया नहीं है, बावकार है अलमास। सॉरी फरा, इसे बावकार होना नहीं, दोगलापन और चापलूसी कहते हैं, जो तुम्हारी बेटी में कूट कूट के भरा हुआ है। भाई मुझे और मेरे बेटे को ये दो नंबरियां नहीं आती। ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा अच्छा है और मेरे लिए मेरा बुरा है। एक महीने में अपने बेटे की शादी इंतहाई खूबसूरत लड़की से करके दिखाऊंगी मैं तुम्हें, उसकी वजह से मेरे आने वाली नसरें संवल जाएंगी, देखना तुम। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तुम्हारे, अल्लाह हिदायत दे तुमको और तुम्हारी बेटी को। जा रही हूँ मैं। क्या कहा खालन?
अपनी माँ को बेइज्जत करा के मिल गई होगी तुम्हें खुशी। यही चाहते थे ना तुम कि उनकी चौखट पे आके मैं अपना माथा रगड़ू? कहा क्या है खाला ने वो बता दे मुझे। गाड़ी में बैठो और घर चलो। खाला ने कहा क्या है मुझे वो बताएं। अजलान, महले वालों के सामने मेरा तमाशा मत बनाओ। जो रही सही इज्जत रह गई है उसे बाकी रहने दो। अम्मी, भाड़ में गई इज्जत और भाड़ में गए मोहल्ले वाले, मुझे बताएंगे खाला ने क्या कहा है? ठीक है तो फिर सुनो, उन्होंने कहा है कि तुम ज़हनी मरीज़ हो और पागल हो और उनकी बेटी दानिश्वर है, बस। कहाँ जा रहे हो तुम? अस्लान, अस्लान घर चलो। अम्मी, आप कौन है, क्या चाहते हैं आप? कौन है? मैं जो भी हूँ ये आपका मामला तो नहीं है ना, आप अपना काम करें जाके। क्यों आए आप यहाँ पर? यार आप अपना काम करें, समझ आई ना आपको? हम यहाँ के पड़ोसी हैं यहाँ के। यार मेरा अपना मामला है, डिस्टर्ब मत करो ठीक है। खाला दरवाजा खोलो, बैठो। तुम से रोकना जरूरी है अम्मी, वरना और तमाशा लगाएगा ये। लगने तो तमाशा ताकि मोहल्ले वालों और सब लोगों को उनकी असलियत के बारे में पता चले। असलान या अलमास से कोई हमदर्दी नहीं रही। अलमास को भी पता चले ना कि उसने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है और मैंने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है। अजलान, ये लो बेटा पानी पियो। मैं कह रही हूं ना, लानत भेजो उन पर, भूल जाओ सब कुछ। भूल जाओ? भूल जाओ मैं? हाँ, क्या भूल जाओ? कि मैं पागलों की तरह उसका दरवाजा पीट रहा था और उसने दरवाजा खोलना जरूरी नहीं समझा? या ये भूल जाओ कि उसके दो टके के पड़ोसी मुझे कहते कि मुझ पर पुलिस बुलाएंगे वो? अम्मी, उसने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी, अभी उसने मेरी नफरत नहीं देखी। देखिए आप, मैं उसके साथ करता क्या हूं? डॉक्टर ने साहिबा, मेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा ना? इंशाल्लाह, जब अल्लाह ने इतने इसबाब बनाए हैं तो आगे भी मदद करेंगी। मैं तो बहुत दुआ करती हूँ, मैं तो आपके लिए भी बहुत दुआ करती हूँ डॉक्टर ने साहिबा। क्या लगा था तुम्हें? हाँ, दरवाजा नहीं खोलोगी तो क्या कभी आमना सामना नहीं होगा? हाँ, सामना क्यों नहीं कर रही थी? मुझे देख लेती तो मौत आ जाती तुम्हें। सामने खड़ा हूं तुम्हारे, अब कहो ना क्यों मना किया तुमने? बल्कि तुम क्या कहोगी, तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मुझसे कोई भी बात कर सको? किस तरह से बात कर रहे हो डॉक्टर ने साहिबा से? इनको इनकी औकात बताओगे? अपनी औकात देखिए। और तुम कौन हो? बकवास बंद करो अपनी। आप छोड़ देने इनको, जाने दो, रहने दो। डॉक्टर ने साहिबा आपसे बदतमीजी कर रहा है, मैं इसको अभी इसकी औकात बताती हूँ। आपसे चीख कर बात कर रहा है, अभी मैं गार्ड को बुलाती हूँ। नहीं, रहने दें आप, सिक्योरिटी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद यहाँ चले आए। क्या कहा था तुमने कि मुझ जैसी हजारों लैब कोट पहने तुमने सड़कों पर घूमती देखी और ये कि तुम्हारे अंडर कोई सैकड़ों लोग काम करते हैं, यही कहा था ना? हाँ यही कहा था, क्योंकि सच भी यही। उनमें से एक भी जिस तरह ये औरत मेरे लिए खड़ी होगी तुम्हारे लिए खड़े होकर लड़ नहीं सकता। यही फर्क है तुम में और मुझ। मैं तुम्हारी तरह बनना भी नहीं चाहता। तुमसे किसने ऐसा कहा कि मैं ऐसा कुछ भी सोचता हूँ? तुम्हारी तरह बन के मैंने करना क्या है? और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ जानने के बाद तुम जैसी औरत के हाथ में मैं अपनी अगली नस्ल देना चाहूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तुम जैसी 3600 ना मेरे आगे पीछे वैसे भी घूमती,
अरे जा जा, अल्लाह ना करे इन जैसे तुम्हें मिले। तुम अपनी बकवास बंद करोगी या नहीं? मैंने सोच लिया था कि तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, लेकिन आज नहीं तो कल तुम अपनी अगली नस्ल किसी को तो सौंपोगे। तो ये तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए जानना जरूरी है कि मैं उस दिन कहना क्या चाह रही थी। ये आपके बच्चे को क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब आप तो जानती हैं, मेरे बच्चे को थैलीसीमिया है। और इसका इलाज क्या है? बस हर 15 दिन बाद खून चढ़ाते रहो और क्या। आप ये बताएं कि आपकी शादी किससे हुई थी? डॉक्टर साहब मेरा शोहर मेरे ताया का बेटा है। और खानदान में कितने बच्चों को ये बीमारी है? ये कोई 10 में से 8 को तो ये बीमारी है। सुन लिया तुमने? मैंने तुम्हें उस दिन टेस्ट करवाने का इसलिए नहीं कहा था कि तुम औलाद पैदा कर सकते हो या नहीं, बल्कि इसलिए कहा था कि औलाद सेहतमंद पैदा हो। और कजन मैरिज तो कोई कंसर्न था भी नहीं। कजन मैरिज से मुझे इशू नहीं था, लेकिन कजन मैरिज में रिस्क ज्यादा होता है। और अगर तुम मेरे खानदान का हिस्सा होते भी नहीं ना, तब भी मैं तुमसे ये कहती कि टेस्ट करवाना जरूरी है। देखो इन बच्चों को, क्या कसूर है इनका? इन्होंने तो कोई बदएहतियाती नहीं की थी। कसूर इनके माँ बाप का, जिन्होंने इन्हें अपनी बीमारी विरासत में दी है। आप जाए। अब तुम यहां से जा सकते हो, और जिससे भी शादी करो इस बात का ख्याल रखना कि कहीं तुम अपनी औलाद को विरासत में बीमारी या मोहताजी तो नहीं दे रहे। और अपनी मर्दाना ना इसी सेंटर में कहीं कोने में छोड़कर जाना, वरना ये जो 600 तुम्हारे आगे पीछे फिरती है ना, उनमें से किसी एक बेचारी को तुम्हारी बीमारी का बहुत सारी जिंदगी उठाना पड़ेगा। और जिससे शादी करूं उसकी जरा इज्जत कर देना।